दोस्तों इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपर मैक्स के एंगल ग्राइंडर के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स के वीडियोस बनाकर आपको दिखाए हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। यहाँ हमने पहली बार ये मशीनरी प्रोडक्ट के बारे में हम आपके सामने जानकारी लेके आए हैं। तो ये हमारे पास है एंगल ग्राइंडर हाइपर मैक्स ब्रांड का और ये काम आता है लोहे की कटिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसको टाइल्स वगैरह की फिनिशिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको। इतने अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है पहले से तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको हमारे दूसरे वीडियोज़ भी मिलते रहे। दोस्तों अनबॉक्स करने पर कुछ इस तरह का एंगल ग्राइंडर हमें मिलता है। ये हाइपर मैक्स का देखें आप, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हैवी है, काफ़ी पावरफुल एंगल ग्राइंडर है। दूसरे ब्रांड में हल्का मिलता है, बॉश वगैरह दूसरे ब्रांड जो बड़े ब्रांड है उनमें हैवी मिलता है। ये भी काफ़ी हैवी यहाँ पर है हमारे पास। इसके साथ ही मिलता है एक कवर यहाँ पर लगाने के लिए और फिर हमें मिलता है एक ये पर लग जाएगा, ये पाना है जिसको कसने के लिए काम आता है। एक ही हैंडल मिल जाता है, हैंडल आप लगा सकते हैं इसको यहाँ पर और फिर ये बंदूक की तरह तान कर आप चला सकते हैं। इस काम का ये हैंडल होता है। तो ये हैंडल कवर और ये पाना ये सब मिलता है इसमें और ये एक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस है इसमें बताया है। इनके दूसरे प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। सेफ्टी टिप्स, मेंटेनेंस टिप्स ये सब इसमें दिया है, आप पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इससे। और यहाँ देखें आपको इसमें आप फिनिशिंग करना चाहते हैं लोहे की वो कर सकते हैं, कटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, टाइल्स की फिनिशिंग करना चाहते हैं, चौके की फिनिशिंग करना चाहते हैं, मार्बल की वो होता है। आप देखें एंगल ग्राइंडर नाम है, एंगल पर आपको काम करना है। जब आप इसको घुमावदार बनाना चाहते हैं, कोई चीज को फिनिशिंग देना चाहते हैं घुमावदार, तो वहाँ ये यूज कर सकते हैं। कटिंग भी ये कर देता है और काफी तेज है, स्पीड बहुत फास्ट है। देखें मैं आपको बताता हूँ, लगने लगा कर बताता हूँ। ये हमने लगा दिया, इसका स्विच होता है ये यहाँ पर, यहाँ बैक साइड में स्विच इसका होता है। हमने डायरेक्ट प्लग में से ही निकाल दिया, लेकिन आप ऐसा नहीं करें, आप काम करते वक्त इसे यहीं से वापस ऑन ऑफ करें। ये बटन ऑन ऑफ के लिए है, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। फिर एक ये बटन यहाँ दिया हुआ है, ये लॉकिंग सिस्टम है, लॉक यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको दबा कर रखना है और इसको घुमाना है, जहां भी ये लॉक होना होगा वहां पर फंस जाएगा। ये देखना, ये हो गया लॉक। अब आप देखें तो ये काम नहीं करेगा लॉक होने के बाद में, फिर आपको इसे दबाकर लॉक खोलना होगा। ये तो इस तरह से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऑन ऑफ यहाँ से कर लें आप और सावधानी पूर्वक आप इसको चलाएं। एक काफी हेवी स्पीड से काम करता है और स्पीडली काम करेगा तो इसमें थोड़ा सा सुरक्षित हमें रहने की जरूरत है। एक्स्ट्रा केयर के लिए आप इस कवर को यहाँ पर यूज करें, कवर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। वो पत्ता ग्राइंडर का पत्ता जो है वो अंदर रहेगा, ब्लेड अंदर रहेगी और ये हैंडल भी रहेगा तो सुरक्षा आपकी ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये मैंने इसके बारे में बताया, कुछ चीजें यहाँ प्रोडक्ट की दी हुई है पैकेट पर भी। स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम फॉर गियर बॉक्स, ये जो गियर बॉक्स है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, बॉक्स का एक्सट्रीमली एक्सेसिबल कार्बन ब्रश। इसके जो ब्रशेस हैं ये कार्बन ब्रश हैं, यहाँ कार्बन ब्रश यूज किए हैं जिससे कि ये ज्यादा लंबे समय तक चले। डबल इंसुलेशन दिया हुआ है, अंदर जो है इंसुलेशन वो डबल है जिससे कि ये लंबे समय चलेगी और 850 वॉट की है, बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं है, 850 वॉट का है, फास्टली काम करती है, 220 वॉल्ट पर काम करती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सिंगल फेज एसी, 11,000 रिवोल्यूशन प्रति मिनट, एक मिनट में 11,000 बार घूमेगी, इतना फास्ट काम है।
और 100 mm का वो होता है ब्लेड इसका। और इनपुट पावर 850 वाट मैंने बताया आपको। डिस्क का डायमीटर इसका 100 mm का होता है। वोल्टेज 220 वोल्ट, लोड स्पीड 11000 rpm, सब वही चीज़ें जो बताई, तो काफ़ी अच्छा है। कुछ टूटा तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे बता दिया मैंने। तो इस तरह की है ये हाइपर मैक्स की एंगल ग्राइंडर, काफ़ी अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छी लगती है, कलर भी अच्छा है, तो आप इसको खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे और भी वीडियोस देखते रहें।